हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की पेपर स्टाइल समझेंगे और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ 50% कोर्स भी पढ़ोगे ना तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। किस तरह, पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। आप देख सकते हो ये जो पेपर है जनवरी 2021 का है, बीकॉम सेम 3 आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। ये जो पेपर स्टाइल पहले जो थी, मतलब कोरोना के टाइम पे, अभी भी यही पेपर स्टाइल है, आपका 50 मार्क का पेपर निकलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन वन में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 1 ए एंड बी 10-10 मार्क के हैं और ये यूनिट 1 में से है। क्वेश्चन 2 ए बी, ये भी 10-10 मार्क के हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 ए बी 10-10 मार्क के हैं और इसी तरह ही क्वेश्चन 4 10-10 मार्क के, ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन है, क्लियर। उसमें क्या बता रहा है, आप ऊपर देख सकते हो, अटेम्प एनी 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें क्या, जो क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से है, क्वेश्चन 2 जो है वो सेकंड यूनिट में से है, क्वेश्चन 3 थर्ड यूनिट में से है एंड क्वेश्चन 4 फोर्थ यूनिट में से है। तो कहने का मतलब आपको कोई भी 2 यूनिट करने हैं, बराबर ना। 2 यूनिट करोगे, 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अच्छे से, तो 40 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो सेक्शन टू में MCQs है, आपको 5 करने हैं। यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब 12 MCQs दिए हुए हैं। आप देख सकते हो 12 में से आपको 5 करने हैं, ठीक है। एक MCQ 2 मार्क का है तो ऐसा ही होता है हर पेपर में। देखें इसमें क्या है, यहाँ पे एनी 10 लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एनी 5 होता है, हर एक पेपर में देखा गया है एनी 5 है, एक MCQ 2 मार्क का है, ठीक है ना। तो 12 में से 5 MCQs मतलब करने हैं आपको। और जो MCQs हैं आपकी डाइजेस्ट में पीछे हर एक चैप्टर में दिए गए, वो ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना, 10 मार्क के आएंगे। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल है। अभी हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं। आप देख सकते हो बीकॉम सेम 3 आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 4 यूनिट है। पहला यूनिट 1 जो है वो कौन सा है, ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ आईएफएस, ये है। उसमें टोटल 2 चैप्टर है और दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। अभी इम्पोर्टेंट कौन से हैं, आप देख सकते हो चैप्टर 1 जो है ओवरव्यू ऑफ आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें 4 क्वेश्चन है, चारों पढ़ने हैं, चारों में से एक आता ही है 10 मार्क में, ठीक है ना। आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईएफएस, मेजर कंपोनेंट ऑफ आईएफएस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने दिए, और आपको कम से कम इतने तो पढ़ने ही हैं, ठीक है ना। और इसके बाद सेकंड चैप्टर है, यूनिट 1 में ही सेकंड चैप्टर रेगुलेटर एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सेबी के फंक्शन ऑफ सेबी एंड फंक्शन ऑफ ईडा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक मोस्ट ऑफ आता ही है 10 मार्क, मीन्स चैप्टर 1 में भी 4 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको यूनिट 1 में से करना है, मतलब यूनिट 1 में ये दोनों चैप्टर में करने हैं, टोटल 20 मार्क आएंगे चैप्टर 1 और 2 में से, इस तरह, ठीक है ना। 10-10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन होगा, चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन होगा, इस तरह। और यूनिट 2 मतलब कोई भी 2 यूनिट करो, ये यूनिट 1 था, अभी यूनिट टू कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट, और उसमें कितने चैप्टर हैं, उसमें 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो मनी मार्केट, और उसमें एक ही क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। और सेकंड चैप्टर प्राइमरी कैपिटल मार्केट, उसमें 4 क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, बोनस शेयर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोनस शेयर की मीनिंग बतानी है और उसका प्रोसीजर, भाई बोनस शेयर कंपनी किस तरह इशू करती है उसके प्रोसीजर के बारे में बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सेबी गाइडलाइंस फॉर बोनस शेयर, भाई बोनस शेयर इशू करते हैं तो सेबी की गाइडलाइंस कौन सी हैं उसके बारे में बताना है, और डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्वेश्चन है।
इसी तरह चैप्टर थ्री कौन सा है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, उसमें क्या है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। शेयर्स जब लिस्टिंग करते हैं तो उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और टाइप किस टाइप के होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट शॉर्ट नोट ऑन BSE। इसी तरह NSE और डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये चार क्वेश्चन है। मतलब यूनिट टू में टोटल तीन चैप्टर है, ये तीनों आपको करने हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने दिए हैं, 10-10 मार्क के, इसमें से भी दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी इसी तरह आप यूनिट थ्री देखो, यूनिट थ्री कौन सा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी दो तीन चैप्टर है उसमें, ठीक है। चैप्टर वन कॉमर्शियल बैंकिंग, और उसमें दो क्वेश्चन है, कॉमर्शियल बैंकिंग की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसकी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस, तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद थर्ड चैप्टर है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में भाई म्यूचुअल फंड की मीनिंग एंड कंसेप्ट, और एक दूसरा क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस है, वो बताना है। तो ये आप देख सकते हो यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री में तीन चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इसमें से भी दो क्वेश्चन आएंगे 10-10 के, ठीक है। इसके बाद यूनिट फोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप देख सकते हो दो चैप्टर हैं, फर्स्ट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, उसमें है प्रेफरेंशियस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंशियस, प्रेफरेंशियस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशन है, वो बताना है। और इसके बाद डिबेंचर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें आता है तीन है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल्स, ठीक है। तो इस तरह यूनिट फोर में दो चैप्टर हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आपको कोई भी दो यूनिट अच्छे से करने हैं, ठीक है। एक यूनिट में से 20 मार्क करूँगी, दूसरे यूनिट में से 20 मार्क, कोई भी दो करो, आपको जो ईजी लगे वो दो यूनिट करो, ठीक है। और हो सके हर एक चैप्टर में MCQs पढ़ना, तो 50 मार्क का ही पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।